के बाद आपका स्वागत है। महाराष्ट्र का मराठवाड़ा क्षेत्र सूखे की समस्या से जूझ रहा है और इसे देखते हुए नागपुर महापालिका ने मराठवाड़ा को पानी देने की पेशकश की है। पानी देने की पेशकश पालिका की ओर से नागपुर के मेयर अनिल चोले ने की है। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि इस साल महाराष्ट्र में किस कदर सूखा पड़ा है। इस साल पड़े सूखे ने किसानों की कमर तोड़ कर रख दी। हालांकि इसे देखते हुए सरकार ने राहत पैकेज की घोषणा की है, इसके बावजूद समस्या हल नहीं हुई। सूखे के चलते मराठवाड़ा का सबसे बुरा हाल है। लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं, तो कहीं पानी की कमी के चलते जानवर प्यासे मर रहे हैं। मराठवाड़ा के हालातों को देखते हुए अब नागपुर महापालिका के मेयर ने मराठवाड़ा को पानी देने का निर्णय लिया है। हमने घोषणा की है और यदि सरकार उस प्रकार की व्यवस्था करती है, यहाँ से पानी के टैंकर यदि रेलवे के माध्यम से वहाँ पहुँचाने की बात जो चल रही है, तो यदि होता है तो नागपुर महानगर पालिका निश्चित रूप से हमारे पानी में से कुछ पानी निकाल करके उनको देंगे। महाराष्ट्र का मराठवाड़ा क्षेत्र सूखे की गंभीर समस्या से जूझ रहा है, लेकिन राज्य सरकार सूखे से निपटने के लिए गंभीर नहीं दिख रही। राज्य सरकार के लचर रवैये को देखते हुए विपक्ष ने विधानसभा के बजट सत्र में सरकार को खूब घेरा। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाए कि सरकार ने किसानों और उद्योगों को दिए जाने वाले पानी के कोटे में कटौती कर शराब कंपनियों की जल की आपूर्ति बढ़ा दी है। 15-15 दिनों में जब नलों से पानी टपकता है तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। हालांकि सरकार ने कई जगहों पर मुफ्त पानी और जानवरों को चारा देने का काम शुरू किया है, लेकिन सरकार की ये कोशिशें ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही हैं। सवाल ये उठता है कि केंद्र और राज्य सरकार ने सूखे से निपटने के लिए जो राहत राशि की घोषणा की है, उस राशि का कितना अंश पीड़ितों तक पहुंच रहा है। नागपुर से हरीश तिवारी के साथ निर्जय शर्मा, सहारा समय।